नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में बीजेपी से जुड़ी हुई खबरों का। सर, बीजेपी की मैं नाम लिया तो आप कुछ कह रहे थे कि कुछ खबर है, बीजेपी की कोई बड़ी अच्छी खबर है और खबर होनी भी चाहिए क्योंकि सरकार में है वो और अभी चुनाव भी आ रहा है, तो क्या खबर थी उसमें बीजेपी से जुड़ी हुई? सर, बड़ी खबर है और महाराष्ट्र के लिए तो सुखद है ही, हमारे लिए दोनों के लिए भी आनंददायी है क्योंकि अभी हाल ही में शिंदे साहब गए थे दिल्ली और शाह साहब से मिले थे, तो उस समय उन्होंने बोला कि बीजेपी में ऐसी चर्चा और हवा फैल रहे, नैरेटिव्स भेज रहे लोगों को कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बिना डिक्लेयर किए हम लोग चुनाव जैसे महागाड़ी लड़ रहे वैसे ही लड़ेंगे। तो बोले, आपने मुझे वचन दिया था कि सिर्फ ये 2.5 साल नहीं, अगले 2.5 साल भी मैं ही मुख्यमंत्री रहूँगा और उसी कंडीशन पर मैं ये पार्टी में आया था। और उस समय आपने ये भी बोला था कि नेतृत्व का चेहरा ही नहीं, खाली मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हम डिक्लेयर करेंगे और ये करेंगे। तो बोले, वो तो तय है। कौन बोले? अमित शाह, एकनाथ जी शिंदे को बोले, वो तो तय है, उसमें आपको मतलब कोई चेंज हुआ नहीं है। तो बोले, चेंज नहीं हुआ है, वो आपका बड़प्पन है और आप बोल रहे हैं वो भी सही है, मगर बीजेपी के अंदर से ये नैरेटिव अलग अलग नेता फैला रहे हैं। कोई नेता बोल रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे, कोई बोल रहा है कि हमारा चेहरा फडणवीस होंगे, कोई बोल रहे फडणवीस से ही सब कुछ तय करेंगे। तो मेरी फडणवीस से अच्छी जम रही है, मगर मैं उनको ये बोलूं कि आप के जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, मेरे लिए वो घातक भी है और बिना चेहरे लिए निर्णय के सामना करना ये आपके लिए खतरनाक होगा। तो फिर बातें और एक दो बातें उन्होंने बताई कि अभी कास्ट पॉलिटिक्स महाराष्ट्र का कैसा हो गया है, उसमें ब्राह्मण जाति का होना भी अभी एक कैसा बड़ा मुसीबत हो गया वगैरह वगैरह, बहुत दिल से बातें हुई थी। शिंदे साहब ने वहाँ से आने के बाद इसकी चर्चा किससे की नहीं, क्योंकि ये बात अमित शाह ने जब बोल दिया तो बोल दिया, तो बोल दिया। उन्होंने उसका अनुभव भी अच्छा किया कि पिछली बार उन्होंने बोल दिया कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे तो उनको भी आश्चर्य लगा, वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार थे। तो बोले, मेरा आग्रह नहीं है। तो अमित शाह बोले, नहीं, हमारा आग्रह है कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे और ये बात आप फडणवीस से भी मत कहिए, हम हमारे तरीके से उनको बताएंगे, जब बताना होगा तब बताएंगे। तो जब अनाउंस हुआ शिंदे साहब का नाम तो फडणवीस भी चौंक गए और उन्होंने फिर वो थोड़ा सा ड्रामा भी किया कि मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बाद में ऊपर वालों ने देखा ही नहीं, ऊपर से पीठ अभिनंदन का ही कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर। सर, अभी ऐसा हो गया कि शिंदे साहब ने ये बात बोली नहीं थी, सिर्फ श्रीकांत से बोले थे वो उसके बारे में, और श्रीकांत ने भी कहीं नहीं बोली थी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ, मैं मेरे ऊपर आरोप आ जाएगा कि मैंने या तो श्रीकांत या एकनाथ जी से ये बात जान ली और करके मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ तो उनको मुसीबत में डाल रहा हूँ। नहीं नहीं, उनको दोनों को मुसीबत में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये बात मुझे बीजेपी से पता चली है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो मेरे मित्र हैं, आप भी जानते हैं उनको, तो उनसे मेरी बात होती रहती है, तो उन्होंने बोला, अनिल कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं बोला, क्यों? वो बोले, अमित शाह का मैसेज फडणवीस और बावनकुड़े को आ गया है कि महागाड़ी जो बोल रही है कि बिना चेहरे हम चुनाव लड़ेंगे, महायुति ऐसा नहीं करेगी, महायुति चेहरा देगी, नेतृत्व देगी और मुख्यमंत्री पद का कौन उम्मीदवार है ये भी डिक्लेयर करेगी और वो उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। तो आपके जो लोग अलग अलग नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं वो कृपया उनको इंस्ट्रक्शन दो कि ऐसा कोई ये मत करो। तो फडणवीस और बावनकुड़े तक ये बात पहुँची, तो उनके यहाँ पहुँची तो उनको तो बोलना ही लोगों को कि भाई ऐसा नैरेटिव अभी मत सेट करो। सर, अभी इसके आगे चल के, ये मैं जो बोल रहा हूँ उसका पुरावा तो मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, इसके आगे चल के आप देखेंगे कि बीजेपी के लोग इस बात पर ज़्यादा बोलेंगे ही नहीं कि चेहरा कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा, फडणवीस का नाम तो बिल्कुल लेना बंद करेंगे। हाँ, वो हो गया।
तावड़े का सर ये हो गया, मामला खत्म हो गया, वो तो बिहार का ही बिहार के प्रभारी बन गए, तो वो भी खत्म हो गया। अभी एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और चेहरा रहेंगे, ये बड़ी बात है और मैं ये सबके साथ शेयर करना चाहता था। इसके लिए असल में ऐसा होना चाहिए था कि मुझे एकनाथ शिंदे जी को अभिनंदन करके बोलना चाहिए था, मगर वो मानते नहीं थे, वो बोलते थे कि भाई ठीक है बीजेपी में वो बात फैल गई है। ये उनको भी सर कैसे है ना, जैसे गृह खाते के पास पूरा एजेंसीज रहते हैं, ऐसे सीएम के साथ भी बहुत एजेंसीज है, उनका भी एक अपना नेटवर्क है जहाँ से उनको क्या चल रहा है, कौन से पार्टी में वो पता चलता है। बिल्कुल, तो गुप्तचर है ना सब। हाँ, तो उनको भी मालूम हो गया कि बीजेपी को महाराष्ट्र के मैसेज आ गए। मैं बीजेपी के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि फडणवीस का चेहरा चलने वाला नहीं था, वो ब्राह्मण करके, मैं उनमें कोई दोष नहीं निकाल रहा हूँ, मगर वो ब्राह्मण है और मराठा। और अभी देखो ना, मनोज दरांगे की रैली क्या बड़ी होने लगी आज, आज उसने शांतता रैली निकाली है सर, लाखों लोग है उसमें, तो है ही ना सर, मराठा समाज तो बड़ा है, तो हम उसको खत्म हो या समझे थे, वो फिर से जाग गया, फिर से मराठा ओबीसी धनगर मुसलमान सब आ गया। तो फडणवीस का चेहरा तो चलने वाला नहीं था, दूसरा कोई चेहरा है नहीं, तो असल में एकनाथ जी शिंदे का चेहरा इन लोगों को खुद ब खुद आगे करना चाहिए था, मगर मन का बड़प्पन वो नहीं दिखा रहे। तो अभी अमित शाह का मैसेज पक्का आ गया है, मैं कन्फर्म कर रहा हूँ एकनाथ जी शिंदे का ही, अभी सब किसी पे भरोसा मत रखो, मैं वो बोल रहा हूँ वही होगा, एकनाथ जी शिंदे का ही चेहरा मुख्यमंत्री पद का चेहरा करके सामने रख के आगे के विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग में भी उनका वेटो रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ देने का जी वेटो कि इसको देना है नहीं देना है, क्योंकि कुछ लोग अंदर से षड्यंत्र कर रहे हैं, सो उनके पास ऐसी खबर आई है कि अपने अजीत दादा के और बीजेपी में से कौन से लोग उद्धव ठाकरे या शरद पवार के कांटेक्ट में है, तो उन लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। वो शॉर्टलिस्ट मेरे ख्याल से आज या कल में फडणवीस के पास पहुंच जाएगी, उनका पहले से आउट हो जाएंगे, नहीं आउट होंगे नहीं होंगे उनको समझ दी जाएगी शायद जी। कि भाई आप जो कर रहे हैं उसकी हमारी पूरी खबर है, जैसे चंद्रकांत दादा पाटिल का और मेरा हुआ था कुछ फडणवीस के बारे में, तो फडणवीस ने पेगासस से वो पकड़ लिया और मुझे भी बोला कि भाई अनिल जी इससे सावधान रहो और चंद्रकांत दादा की तो चंपी कर दी, तो वैसे उनको बुलाएंगे कि भाई ये देखो ये तुम्हारे बारे में रिपोर्ट अनुकूल नहीं है। तो सर आज हम सेलिब्रेट करते हैं कि एकनाथ जी शिंदे एक खबर सर और था मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए। एक खबर और था थाना से, आज मैं सुबह ही पढ़ रहा था कि थाने का जो सीट है थाने विधानसभा का 148 वो संजय केजरीवाली उसको शिवसेना अपने तरफ मांग रही है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से वोटिंग पड़े है बीजेपी की तरफ से वोटिंग बहुत कम पड़े है और इसमें वोटिंग अच्छी पड़ी है, तो सिटी जो है थाने सिटी का जो विधानसभा सीट है वो शिंदे साहब खुद प्रयास कर रहे हैं अभी से कि वो सीट उनको मिले। सर मैं अभी चैलेंज से आपको कहता हूँ, पूरे थाने में एक तो सीट बीजेपी को देनी चाहिए। हाँ, तो वो प्रताप सरनाइक की देंगे? नहीं देंगे। जितेंद्र आव्हाड की देंगे? नहीं देंगे। एकनाथ जी शिंदे की देंगे? नहीं देंगे। फिर कौन सी सीट बची जो उनको दे सकते हैं बीजेपी को? सर इतना बड़ा उन्होंने ऑफिस का तमाशा किया, बाद में वहाँ तो शोरूम खुली, वो छोड़ो शोरूम खुली, सर वो झूठ था चार। एक बड़ा ऑफिस दिखाया वगैरह ना, वहाँ पे अभी कुछ नहीं है, वहाँ पे एक बड़े कपड़े की दुकान की शोरूम आ गए, मतलब उन्होंने टेम्परेरी दिखा के सबको उल्लू बनाया कि देखो हमने इतनी तैयारी की है लोकसभा की वगैरह वगैरह, अभी कुछ नहीं है उधर, उधर शोरूम आ गई। इतना बड़ा आप बोल रहे थे ना उस दिन, अरे बापा 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 कुछ नहीं, बापा 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 हो गए। सर एक सीट उनको देनी पड़ेगी। संजय केडकर को बदलेंगे क्या? सर वैसे फडणवीस के और संजय केडकर के संबंध बहुत अच्छे हैं, मगर इस समय शायद ये ब्राह्मण ब्राह्मणेतर का जो मुद्दा है, ब्राह्मण को देना चाहिए, पूना में देंगे, पूना में देंगे वो, और यहाँ पे वो मड़वी करके कोई है क्या, डॉक्टर मड़वी? हाँ, राजेश मड़वी। वो मैं राजेश मड़वी को कभी मिला नहीं हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मगर संघ परिवार जिसको बोलते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके एक मुखिया बोलूँगा तो वो मुश्किल में आ जाएंगे, मगर बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं। अच्छा अच्छा हाँ, तो उनसे मेरी
किसी इसमें बात हुई, एक चार दिन पहले हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो संजय केकर का नाम संघ परिवार ने रिकमेंड नहीं किया है, उन्होंने ये क्या मड़वी बोला मैं, राजेश मड़वी, राजेश डॉक्टर राजेश मड़वी, उसका नाम संघ की तरफ से बीजेपी को दिया गया है और संघ परिवार इंसिस्ट करेगा कि थाना में राजेश मड़वी को ही संजय केकर की जगह टिकट मिले, संजय केकर का कोई दूसरा ये हो सकता है विकल्प, भाई वो सत्ता पे आते हैं अगर बीजेपी तो उसको सिडको बिडको का चेयरमैन बना सकते हैं, मगर संजय केकर का टिकट गया ये बात 70% है और राजेश मड़वी का टिकट आया ये बात भी अच्छी तरह से संघ परिवार से मुझे मिली है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं एनीवे दो न्यूज़ हमने ली तो मेन चर्चा तो यही था कि सीएम को चेयरमैन बीजेपी, हमने इसके पहले भी चर्चा किए थे और मैंने आपसे बताया आग्रह भी था, हमने बताया भी था कि चेहरा तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप सत्ता में हो तो सर किसको दिखाओगे आखिर, बिल्कुल चुनाव को किसी तरह लड़ रहे हो आप, यस, तो सीएम साहब बदले सिंधे साहब का जो चेहरा था वो साफ साफ क्लियर होता हुआ दिख रहा है, तो आप हो गया। अमित शाह ने प्रॉमिस किया, अमित शाह का एक बात है जो शिंदे साहब से उन्होंने बोला वो हर एक चीज कर दिया है आज तक, तो शिंदे साहब फाइनल, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया शिंदे साहब के ऊपर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, क्या सीएम आप दोबारा देखना चाहते हो उनको, ऐसा मत बोलो, नहीं क्यों आप लोगों को हो गया अभी उनको उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो प्रतिकूल बोले तो भी अमित शाह ने बोल दिया होगा करके, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।